अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये हमारे 8 चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, हमने पीछे जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स जो पढ़े हैं उनके साथ ही रिलेटेड है, जैसे कि कॉमन आयन पढ़ा था और बफर सॉल्यूशन जैसे पढ़ा था, तो उसके लिहाज से ही थोड़ा सा हमने उसको डिस्कस करना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है? हमारे पास दो किस्म के साल्ट्स मौजूद होते हैं, एक जिसको जब हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl है। तो NaCl जब वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब आयोनाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, मतलब उनको जब पानी के अंदर ऐड करेंगे तो वो बहुत कम आयंस बनाते हैं, यानी कि वो आयोनाइज कम होगा। ठीक है जी। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, PbCl2, अब ये पार्शली डिजॉल्व होगा और कुछ आयंस क्या बनाएगा, Pb पॉजिटिव 2 के बनाएगा और 2Cl नेगेटिव आयंस के बनाएगा। तो मतलब कम आयोनाइज होगा तो डेफिनेटली आयंस भी कम बनेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन, क्योंकि हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो मालूम करना होता है वो डेफिनेटली किसका मालूम करना होता है, जो स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो मालूम करना होता है कि वो कितना जो है वो डिजॉल्व हुआ है, कितना आयोनाइज हुआ है वाटर के अंदर जब हमने उसको ऐड किया है। तो लेट से हम कहते हैं कि PbCl2 जो है जब उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो एक्वस, और एक्वस क्या करेगा, वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पीबी पॉजिटिव 2 और 2Cl नेगेटिव। अगर यहाँ पर इसकी केसी फाइंड आउट करें, केसी इक्वेशन आपको पता है कि प्रोडक्ट्स को हम ऊपर रखते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन कौन सी होगी, प्रोडक्ट हमारे पास दो हैं, पीबी पॉजिटिव 2 है और Cl नेगेटिव है, तो पीबी पॉजिटिव 2 और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन को हमने ऊपर रखना है। ठीक है जी। तो पीबी पॉजिटिव 2 आ गया और Cl नेगेटिव और उसका स्केयर, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉफिशेंट्स होते हैं या मोल्स होते हैं जो कि पीछे लिखे होते हैं उनको हमने स्केयर के अंदर या एक्सपोनेंट में लिखना होता है। ठीक है जी। तो पावर्स में या एक्सपोनेंट में हमने क्या कर दिया, इसके कॉफिशेंट यानी मोल्स को हमने लिख दिया। फिर उसके बाद ये आ गया हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट्स, तो नीचे हमने क्या लिखना होता है, रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, PbCl2, तो हमने नीचे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लिख दिया है। अब हमने कहा है कि ये स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब बहुत कम आयंस बनाते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2000 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके थे और ये पार्शियली डिजॉल्व होने के बाद, बहुत कम डिजॉल्व होने के बाद इसके आयंस बने हैं 4 या 5। ठीक है जी। तो 4 या 5 आयंस अगर 2000 में से निकाल देंगे तो 1994 या 98 मॉलिक्यूल्स जो है वो पीछे बच जाएंगे। तो खातिर खा इसके अंदर कमी नहीं आई है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट जो है इसके अंदर कमी आई है या चेंजिंग आई है। तो इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है तो हम कांस्टेंट की तरफ ही ले जाते हैं इसको, तो कांस्टेंट की तरफ लेके जाएंगे तो केसी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, PbCl2 की कंसंट्रेशन, और सामने क्या आ जाएगा हमारे पास, जो आयंस बने हैं उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब कांस्टेंट कांस्टेंट से चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, तो हमने पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, जैसे Ka निकाला था, Kb निकाला था, Kw निकाला था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी होगी। तो Kc जो है जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो Ksp जो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी और उसकी इक्वेशन आ जाएगी कि कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Ksp जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगी, जो हमारे पास आयंस है उनकी कंसंट्रेशन जो है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है जी। तो स्लाइटली सॉल्युबल प्रोडक्ट जो है वो हमने लेना है और उसकी हमने इक्वेशन जो है वो डिराइव करनी है, और लास्ट में हमने Ksp की जो इक्वेशन है वो हमने फाइंड आउट कर लेनी है। और Ksp जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, स्लाइटली सॉल्युबल जो साल्ट्स होते हैं उनकी जो आयंस की कंसंट्रेशन जो बनती है उनके प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हम दो तरीके से, न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है कि हमें सॉल्युबिलिटीज़ जो है वो गिवन होती है। ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास ये दो आयंस है, अब इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है वो गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, Ksp की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या आ सकता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, कि मतलब वो बता देता है कि इतने पूरे रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। हमारे पास लेट से मैं कहता हूँ 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर समथिंग है,
उसके बाद हमने मालूम करना होता है सॉल्वेबिलिटी, ठीक है जी। तो सॉल्वेबिलिटी कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर एस लिखेंगे सॉल्वेबिलिटी की जगह पर और एस जो है फिर हम मालूम करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं कि ये एस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2s का स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास दो आइंस बने ना, तो दो आइंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस मल्टीप्लाई बाय 4s का स्केयर और 4s की 3 आ जाएगी और के एस पी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉल्वेबिलिटी एस जो है, क्योंकि के एस पी की वैल्यू तो गिवन है, ठीक है जी, तो के एस पी की वैल्यू अगर गिवन होगी तो एस निकाल लेंगे और एस की वैल्यू गिवन होगी तो हम सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह हम इसको न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट रह गया है कि कैसे जो है वो आइंस के ऊपर स्केयर्स वगैरह लगाने हैं या उसके साथ हमने कोफिशिएंट्स लगाने हैं, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है जी। तो मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है जो कि बुक के अंदर भी लिखी हुई है, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आइंस और कोफिशिएंट जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है ए एक्स बी वाई, ठीक है जी। जब ये आयोनाइज होगा तो एक्स ए वाई प्लस बनेगा, मतलब वाई पॉजिटिव बनेगा, और उसके बाद वाई भी जो है वो क्या बनेगा, माइनस एक्स जो है उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है जी। तो इसको समझने के लिए एक मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमने 9th क्लास के अंदर भी डिस्कस कर रखा है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, वो सारे रूल्स जो हैं वो हम यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। लेट से मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला है, मैं कहता हूँ कि ए एल टू ओ थ्री, ठीक है जी। ए एल टू ओ थ्री को जब मैं आयनाइज करूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, जब ए एल टू ओ थ्री को जब आयनाइज करूंगा तो डेफिनेटली क्या बनना है हमारे पास, ए एल और प्लस ओ, हमारे पास दो चीज़ें ही बननी है, ए एल और ओ। अब इसके साथ कोफिशियंट्स कितने लगाने हैं, मोल्स कितने लगाने हैं और इस पर चार्ज कितना आएगा, वो हमने हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला थोड़ा सा हमने टच कर रखा है, वो आपने पढ़ लेना है, चार पाँच पॉइंट्स है 9th क्लास के केमिस्ट्री के अंदर, ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही दे रखे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कोफिशिएंट्स, तो डेफिनेटली मोल्स जितनी तादाद होगी एटम्स की उतने ही मोल्स आएंगे, तो यहाँ पर दो हैं तो डेफिनेटली दो आएंगे और यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है तो तीन ही आएंगे। लेकिन जो चार्जेस होते हैं कि कितने चार्जेस आएंगे वो हमें पता है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला में हमने पढ़ा था कि जो चार्जेस होते हैं उनको हम स्वैप करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि हम कहते हैं कि लेट से हमारे पास एक हमने फार्मूला बनाना है एम जी पॉजिटिव टू और सी एल नेगेटिव वन का, ठीक है जी। तो पॉजिटिव टू जो है इधर आ जाएगा और नेगेटिव वन इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एम जी सी एल टू बन जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, जब हमने चार्जेस लिखने होते हैं तो स्वैप करते हैं, या फार्मूला बनाना होता है चार्जेस से तब भी स्वैप करते हैं, मतलब एक दूसरे के उलट कर देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए अगर हम, तो इसका डेफिनेटली कितना आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तीन हैं तो इस पर चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव तीन आएगा, और एल्यूमिनियम के पास दो एटम्स हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली नेगेटिव टू आ जाएगा, और एक के साथ हमने पॉजिटिव लगाना है और एक के साथ नेगेटिव लगाना है ताकि जो कंपाउंड है उसको स्टेबल कर सके। डेफिनेटली हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वहाँ पर भी हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला भी हमने देखा था कि जब फार्मूला लिखना होता है तो पॉजिटिव स्पीशी को हम पहले लिखते हैं और नेगेटिव स्पीशी को बाद में लिखते हैं। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव का। और वो कैसे आएगा, वो एटम्स के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो हमने क्या करना है, उसको स्वैप करना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन मैं आपको बता देता हूँ जिसकी मदद से आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे कि कैसे जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा या मोल्स क्या आएंगे, ठीक है जी। तो अगर हम देख रहे हैं एटम्स की तादाद को या मोल्स की तादाद को, ठीक है जी, वो तो हमने सेम रखनी है। यहाँ पर दो एटम्स की तादाद है, यहाँ पर भी हमने दो ही रखी है, यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर भी हमने क्या रखी है, तीन ही रखी है। और अगर हम देखेंगे चार्जेस को, तो चार्जेस को हमने एटम की तादाद के लिहाज से उलट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पर एटम की तादाद दो है तो चार्ज कितना लिखना है, तीन लिखना है, मतलब दूसरे वाले का लिखना है, ठीक है जी। और यहाँ पर तीन एटम की तादाद है लेकिन हमने दूसरे वाले का यानी कि माइनस टू लिखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो एटम्स की तादाद है वो सेम रखनी है। यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर भी क्या रखा है, हमने एक्स रखा है। यहाँ पर वाई था तो यहाँ पर भी हमने बी के साथ क्या रखा है, वाई रखा है। लेकिन चार्जेस को हमने क्या कर दिया है, उलट कर दिया है कि ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बी वाला, और बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा,
ए वाला, ठीक है जी। तो हमने चार्जेस को उलट कर दिया है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या रखा है, सेम रखा है, या कोफिशियंट को भी हम कह सकते हैं सेम रखा है, ठीक है जी। तो एक छोटा सा रूल है जो कि आपने याद रखना है, और ये है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई और चैप्टर जो है हमने स्टार्ट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।